জাতীয় এসসি মোর্চার সভাপতি লাল সিং আরিয়া শনিবার ডক্টর বি আর আম্বেদকর ছাত্রীনিবাস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ছাত্রী ও আবাসিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে এসসি মোর্চার তরফে সারা দেশে বস্তি এবং হোস্টেল সহ তপশিলী জাতির কল্যাণে যে সত্তর দিন ব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে তারই অঙ্গ হিসেবে এই ছাত্রীনিবাস পরিদর্শন বলে উল্লেখ করেন লাল সিং আরিয়া। এসসি সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারি প্রকল্প চালু রয়েছে সেই সম্বন্ধে তাদের অবগত করানোর জন্য এই কর্মসূচি বলে জানান তিনি। দেশ মে দূর ভারতীয় জনতা পার্টি কে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আদরণীয় জগত প্রকাশ নড্ডা জি কে নির্দেশ পর আর উনকি ঘোষণা কে মোতাবিক 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে জন্মদিবস সে 26 নভেম্বর সংবিধান দিবস তক 70 দিবসীয় বস্তি সম্পর্ক অভিযান কর রহা হ্যা। पूरे देश में 75,000 बस्तियों तक एससी की बस्तियों तक हम पहुंच रहे हैं। 7,500 एससी के होस्टल तक हम लोग जा रहे हैं। बस्ती में और होस्टल्स में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के केंद्र सरकार की हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं की जानकारी देना, कोई सजेशन है तो लेना, कोई तकलीफ है तो उन दिक्कतों को दूर करने के प्रयास करना और सभी होस्टल्स जिन बस्तियों में है वहां हम 2 कार्यकर्ताओं को डेप्यूट कर रहे हैं ताकि छात्रावास में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी ना हो। अनुसूचित जाति के सौ मतदाताओं पर भी हम 2 कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रहे हैं ताकि एससी की बस्तियों में आने वाली कोई परेशानी या दिक्कत हो तो उनका समाधान करने के लिए हमारे एससी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर सेवा का काम करें। ये बस्ती संपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। हम एससी के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भी कंटिन्यू संपर्क कर रहे, संवाद कर रहे, बन टू बन भी कर रहे हैं, सामूहिक रूप से भी कर रहे हैं। कल भागीदारी भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमने लगभग 25-26 उद्योगपति थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, रिटायर्ड आईएएस थे, उनसे बातचीत की है और अभी तक 32,000 से ज्यादा एससी की बस्तियों में पूरे देश में संपर्क हो चुका है और उसी बस्ती संपर्क अभियान के तहत आज अगरतला के होस्टल्स में बच्चों से मिलने के लिए आए हैं।